हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की यूनिट 9। और यूनिट 9 में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, मतलब कि एरिया, वॉल्यूम और कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानना है कि ये क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो सेप या आकृति होती हैं उनका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनका आयतन कैसे निकालेंगे और फिर कैपेसिटी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल की संकल्पना से। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया क्या होता है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र या भाग को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कोई भी आकृति द्वारा, कोई एक बंद आकृति है और उसके द्वारा जो भाग घेरा जाता है वह उस आकृति का एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है। अगर हम यहाँ पे एक वर्ग लेते हैं, अगर हम एक आकृति लें वर्ग की, तो यहाँ पे हमने वर्ग बना दिया। अब इस वर्ग के द्वारा जो भी ये जो क्षेत्र है जो मैं रेड रेड कर रही हूँ, ये जो क्षेत्र है, तो इस आकृति के द्वारा ये जो भाग घेरा गया है वही क्या कहलाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया कि क्षेत्रफल क्या होता है। वैसे ही यहाँ पे हमने वर्ग लिया है, इधर हमने दूसरी आकृति आयत ली है कि आयत के द्वारा जितना भी भाग घेरा जाता है वह उसका क्षेत्रफल या एरिया कहलाता है। वैसे ही वृत्त के लिए अगर हम देखें तो वृत्त द्वारा जितना भी क्षेत्र घेरा जाता है और यह भाग घेरा जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल या एरिया कहलाता है। तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का, तो उसमें हम सिर्फ दो ही उसकी बेमाओं को लेते हैं, क्या, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को सिर्फ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम वर्ग का देखें तो वर्ग का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जिन भी आकृतियों का हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिनका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, मतलब आयतन नहीं निकाल सकते, तो वो जो वो जो आकृतियाँ होती हैं वो 2D फिगर कहलाते हैं, मतलब दो डायमेंशन कहलाते हैं, दो डायमेंशनल कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि क्षेत्रफल क्या होता है। अगर अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आयतन की संकल्पना। अगर हम यहाँ पे देखें कि आयतन क्या होता है, यहाँ पे हम आयतन के बारे में जानेंगे, तो एक ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। अगर हम यहाँ देखें कि कोई भी एक वस्तु है वह जितना भी स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे हमने पिछली में लिया था, जहाँ हम क्षेत्रफल देख रहे थे, हमने वहाँ लिया था एक वर्ग। जब हमने वर्ग को देखा तो वर्ग द्वारा जो घेरा गया भाग था वो क्या कहलाया, क्षेत्रफल कहलाया। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही बीमाएँ ले रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। जब हम आयतन निकालते हैं तो हम तीन बीमाएँ लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई तो लेते हैं लेकिन साथ में हम क्या लेते हैं, ऊंचाई को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ऊंचाई बढ़ा दें, अगर हमने इसकी ऊंचाई बढ़ा दी तो ये क्या हुआ, तो ये एक घन के शेप में आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये घन बन गया। तो घन के द्वारा जितना भी भाग घेरा जाएगा वह क्या कहलाएगा, वह आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। तो बस आयतन और उसमें एरिया में यही डिफरेंस होता है कि जो एरिया में हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाओं को लेते हैं, और जब हम आयतन निकाल दें तो वहाँ पे हमें तीन विमाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम ऊंचाई को भी काउंट करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया, देख लिया हमने कि आयतन क्या होता है। अगर हम यहाँ पे और भी एग्जांपल हमने ले रखे हैं, जैसे बेलन, सिलेंडर, तो बेलन जितना भी आयतन घेरता है वह क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है, जितना भी जगह घेरता है। वैसे ही घन, घनाकार वस्तु जितनी भी स्थान घेरती है तो उसका क्या कहलाता है, वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। वैसे ही घनाभ है, तो घनाभ जितना स्थान घेरता है वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि आयतन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम धारिता की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है। किसी बर्तन में जितना द्रव या तरल पदार्थ भरा जा सकता है वही उसकी धारिता कहलाता है।
इसका मतलब है कि कोई भी एक बर्तन है, मान के चलिए घनाकार टाइप की हम एक टंकी लेते हैं, ये घनाकार टाइप की एक टंकी है, इसमें जितना भी पानी हम भर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी या क्षमता कहलाएगी। तो ये क्या होता है, कैपेसिटी होती है। तो हमने देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, कोई भी बर्तन है वह कितना पदार्थ अपने अंदर भर सकता है, उसकी कितने भरने की क्षमता है, वही उसकी धारिता या कैपेसिटी कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्षेत्रफल की संकल्पना क्या होती है, क्षेत्रफल के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि आयतन की संकल्पना क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में जाना। फिर हमने थर्ड जाना कि धारिता की संकल्पना क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है। तो ये हमने तीन पॉइंट्स जान लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे, तीनों पॉइंट्स को देख लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्षेत्रफल निकालना, मतलब कि विभिन्न प्रकार की आकृतियों का हम कैसे क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं वो हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालना देखेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालना देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं वर्ग या स्क्वायर का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ग या स्क्वायर का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वर्ग लिया है, तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या, वो आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो यहाँ पे हमने एक वर्ग लिया है और इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी और ये भी, तो चारों भुजाएं क्या हैं, ए है, मतलब कि बराबर है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी इसकी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा, ए गुणा ए। अगर हम इसे लिखें, ए गुणा ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है परिमाप। परिमाप क्या होता है, जो भी आकृति होती है उसके चारों ओर की जो भुजाएं होती हैं उनका योग, उनका जोड़ होता है, वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग का परिमाप देखें तो वर्ग के चारों ओर अगर हम देखें तो एक ए, दो ए, तीन ए और चार ए, इसकी चार भुजाएं हैं और चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, जिनकी वैल्यू हमने क्या मान ली है, ए। तो यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे कितना होगा, एक दो तीन चार, तो ये हो गया 4a। तो जो वर्ग का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a, चार गुणा भुजा, जो भी भुजा की वैल्यू होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो जब हम वर्ग का विकर्ण देखते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही याद रख सकते हैं कि विकर्ण बराबर होता है a और अंडर रूट में अंदर 2, या फिर अगर हम चाहें इसको निकालना तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये है इसका विकर्ण, एक विकर्ण ये है d1 और एक विकर्ण ये है d2। तो वर्ग में क्या होता है, दोनों विकर्ण की वैल्यू समान होती है। तो यहाँ पे अगर हम एक ही विकर्ण मान लेते हैं, डी डी से रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं, तो अगर हम डी बराबर निकालें तो यहाँ पे हम इस वाली भुजा को मान लेते हैं डी, इस वाली भुजा को हमने डी मान लिया, और ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो हमने एक ही त्रिभुज बना लिया। अब ये त्रिभुज क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसका डायगोनल या विकर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इस डी को हम, डी बराबर क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कर्ण की वैल्यू क्या मानी है हमने डी, तो डी स्क्वायर और आधार क्या है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू क्या है ए, तो ए स्क्वायर। अब हम इसको डी बराबर, ये स्क्वायर में है, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
टू ए स्क्वायर अंदर अंडर रूट में। अगर हम इसको इस वैल्यूज को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो के जोड़ में से एक वैल्यू जो है बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ए गुणा ए, ये एक तो है दो बार, लेकिन दो क्या है, दो का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को तो बाहर निकाल लेंगे लेकिन दो को क्या है अंदर ही अंडर रूट में रख देंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ए अंडर रूट टू। या तो हम उसको ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं या फिर हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, उसका फॉर्मूला ए अंडर रूट टू। यहाँ हमने देखा वर्ग के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेक्टेंगल या आयत, रेक्टेंगल या आयत के बारे में। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे ये भुजा है तो ये इसके बराबर है और ये बड़ी वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है यहाँ पे एल और गुणा चौड़ाई क्या है बी। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो कितना बन गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर वही हम निकालें परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब कि इसके जो चारों ओर की भुजाएं हैं उनकी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये एल है और इसके सामने वाली भुजा की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगी एल। वैसे ये इस भुजा की जो वैल्यू है वो क्या है बी, और इसके सामने वाली क्या होती है बराबर, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी बी। अब हम इसका परिमाप निकालें तो परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो एल प्लस वी प्लस ये वाला एल प्लस और ये वाली बी। अगर हम इसको देखें, परिमाप को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें इसको आगे और सॉल्व करें तो एक एल और एक एल, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2L। वैसे ही अगर हम B को देखें एक और दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2B। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें दो कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम इसको दो बाहर निकाल लेते हैं, L प्लस बी इसमें अंदर रह जाएगा, यहाँ पे L बच जाएगा और यहाँ पे B। तो इसका जो आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर या परिमाप बराबर 2 और अंदर ब्रैकेट में L प्लस बी, और जो वर्ग था उसका क्या था परिमाप, 4 गुणा भुजा। तो ये आयत के परिमाप की वैल्यू क्या है, 2L प्लस 2 भी बोल सकते हैं या फिर आगे दो कॉमन ले लें हम तो 2L प्लस बी। वैसे ही अगर हम इसका विकर्ण निकालें तो इसके विकर्ण की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी वर्ग के में निकाला वैसे ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, या हम इसको ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, विकर्ण डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमने देखा यहाँ पे आयत, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। अगर हम समांतर चतुर्भुज के बारे में देखें तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसके ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे हम ए वी सी और डी, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, उनकी वैल्यू बराबर होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, वैसे ही एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू बराबर होती है। लेकिन अभी हमने जो आयत देखा, आयत में क्या होता है, उसके जो चारों कोण होते हैं उनकी वैल्यू बराबर होती है और वो 90 डिग्री होती है। जैसे यहाँ ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी जान ली, अब हम इसके देखेंगे आगे कि इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई हम जब भी यूज़ कर सकते हैं जबकि लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो भुजा है ये है L लंबाई और ये है V चौड़ाई,
तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब है लंबवत या उनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक भुजा पर हम लंब डाल लेते हैं। तो हम मानते हैं कि भुजा एल पर हमने एक इस वाली भुजा से लंब डाला जो कि है एच, एल भुजा पर। तो जब हम इसका वो निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L गुणा H। एक तो हम ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे, हमने एक तो L पर लंब डाला, अगर हम चाहें कि हम तो इस वाली भुजा पर लंब डालेंगे। जब हम इस वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो क्या करेंगे, हम या तो इधर डाल लेते हैं या फिर इधर, ये भी बराबर है, दोनों भुजाएँ बराबर होती हैं आमने सामने की, मतलब कि बेसिकली एक आयत की ही तरह होता है। बस आयत में क्या होता है कि उसके चारों जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें चारों एंगल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम इस वाली भुजा पर, ये जो वृत्त वाली या चौड़ाई वाली भुजा है, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला और उसकी वैल्यू क्या मानी हमने, एच। तो हम अगर इस तरह से एरिया निकालें तो हम निकाल सकते हैं वी गुणा कैपिटल एच। तो हम दो तरह से क्या है, समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या हो गई, एल गुणा एच और बी गुणा एच। चलिए ये तो हो गया कि इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब हम देखें इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं उनका जोड़। तो अगर हम यहाँ पे इनकी भुजाओं का जोड़ देखें तो ये पूरी तरह से आयत की तरह है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो L है और चौड़ाई क्या है, B है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे L क्या है, L है, और इसके सामने वाली भुजा भी क्या है, L, इसके बराबर ही होगी। जैसे यहाँ पे ये थी B और इसके सामने वाली भुजा क्या थी, B। तो अगर हम इसका परिमाप निकालें तो परिमाप क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ें तो L प्लस L दो L हो जाएंगे, B प्लस B दो B हो जाएंगे। तो इसका भी परिमाप क्या आ जाएगा, 2L प्लस B, जैसे कि आयत का आया था। तो ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट समलंब चतुर्भुज। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज की जो आकृति होती है वो इस तरह की होती है। यहाँ पे एक भुजा है ये ए और ये दूसरी भुजा है बड़ी वाली बी, और यहाँ पे इस ए को हमने सी से मिलाया और बी को हमने डी से मिलाया। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम की आकृति होती है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है एक बटे दो ए प्लस बी, मतलब कि ये छोटी भुजा प्लस बड़ी भुजा, और गुणा एच। एच क्या करेंगे, हम इस वाली भुजा से इस वाली भुजा पर हम लंब डाल देंगे। तो ये क्या है, इसके इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इन दोनों बीच की दूरी को हम यहाँ पे लेते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है एक बटे दो ए प्लस बी गुणा एच। ए प्लस बी मतलब दोनों भुजाओं का जोड़ गुणा एच। तो ये तो हो गया इसके एरिया का फॉर्मूला। अगर वही हम देखें, इसमें भी क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें एंगल सी प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री के बराबर। और ये जो ए बी होती है, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल या समांतर होती है सी डी के। ये जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, समांतर का। इसका मतलब ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ये जो भुजाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब कि जितनी भी इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ होगी वही यहाँ होगी और वही यहाँ होगी। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अब देखेंगे हम नेक्स्ट घन या क्यूब। तो क्यूब के बारे में हम देखेंगे कि इसका आयतन क्या होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाओं की वैल्यू समान हो, मतलब कि लंबाई भी उसकी समान हो,
चौड़ाई भी उसकी समान हो और ऊंचाई भी उसकी समान हो तो वह आकृति क्या कहलाती है? क्यूब या घन कहलाती है। तो यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है और इसमें क्या है, इसकी लंबाई भी ए है और जो ऊंचाई है वो भी ए है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी ए है। तो इसकी तीनों भुजाओं की जो वैल्यू है वो समान होती है। तो अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 6a²। जब हम पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 6a². इसे जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं घन में। तो घन में अगर हम देखें तो घन के कितने फेज या फलक होते हैं, तो फलक या फेज फलक बराबर होते हैं 6। तो घन के 6 फलक या फेज होते हैं। अगर हम लिखें कि घन के कितने कोने होते हैं या कोर होते हैं, तो घन के 8 कोने या कोर होते हैं। 8 कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर हम इसकी भुजाएं देखें कि घन में कितनी टोटल भुजाएं होती हैं, तो घन में भुजा बराबर होती हैं 12। 12 कैसी होती हैं, अगर हम देखें, एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये वाली 12। तो इसकी टोटल कितनी भुजाएं होती हैं घन की, टोटल 12 भुजाएं होती हैं। और कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं, या इनको हम वर्टाइसिस इंग्लिश में बोलते हैं। और ये फलक या फेस कितने होते हैं, 6। तो 6 फेस कैसे होते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा ये हो गया इधर वाला पीछे वाला, और अगर तीसरा हम देखें तो नीचे वाला हो गया ये 3, और अगर हम यहाँ पे देखें एक ये पीछे वाला हो गया 4, और एक ये वाला हो गया इधर 5, और एक सबसे ऊपर वाला हो गया 6। तो इसके टोटल कितने फलक या फेज होते हैं, तो 6 फेज होते हैं घन में। तो चलिए यहाँ पे हमने सब जान लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर हम पूरे घन का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम इसका एक फेज लेते हैं तो एक फेज किसकी तरह होता है, ये एक वर्ग की तरह होता है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने फलक हैं टोटल, एक फलक का जो इसका एरिया है वो कितना होता है, ए स्क्वायर। टोटल कितने फलक होते हैं, 6, तो कितना हो गया, 6a². तो इसका ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, हम इसमें दो फलक को माइनस कर देते हैं, एक तो सबसे ऊपर वाला फलक, सबसे ऊपर वाले फेस को, और एक सबसे नीचे वाले फेस को। बाकी ये जो चारों तरफ के फेस हैं ये फलक हैं उनको हम काउंट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। तो जब हम दो फलक को माइनस कर देंगे, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, तो अगर हम 6a² में से -2a² कर देंगे तो टोटल कितना बचेगा, 4a². तो घन का जो लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a². अगर हम फॉर्मूला याद भी नहीं रखते हैं, अगर हमें पूरा क्यूब पता है कि क्यूब कैसे होता है, उसमें कितने फलक होते हैं, कितने उसके वर्टिसेस या कोने होते हैं और कितने उसकी भुजाएं होती हैं या एजेस या लाइंस हम इनको बोलते हैं, वो होते हैं कितनी होती है, 12, तो हम उसके हिसाब से सारे फॉर्मूले खुद से बना सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। घन का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें क्या है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू क्या है, समान होती है। तो तीनों की वैल्यू क्या है, ए, तो इसका ए गुणा ए गुणा ए, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, बी बराबर ए क्यू, ए की घात 3। तो जो घन का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ए की घात 3। वहीं अगर हम इसका डायगोनल निकालें तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी बराबर ए और अंदर अंडर रूट में 3। तो ए अंडर रूट 3 क्या होता है, इसका डायगोनल होता है।
जैसे हमने वर्ग का डायग्राम निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लेते हैं इसे कि जो घन का डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है ए अंडर रूट थ्री, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पे हमने देख लिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है क्यूब के, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, और इसका डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, और फलक देख लिया कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, और भुजाएं कितनी होती हैं। ये तो हमने देख लिया घन के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है घनाभ या क्यूबॉइड क्या होता है। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है। और हमने घन में देखा कि घन के तीनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, लंबाई की भी, चौड़ाई की भी और ऊंचाई की भी। लेकिन घनाभ में क्या होता है, घनाभ में तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो जब तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है तो इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है। और हमने क्यूब का शेप देखा था, क्यूब का शेप इस तरह से था जैसे कि वर्ग का शेप होता है, मतलब कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर वर्ग को हम ऊपर उठा दें उसकी ऊंचाई के साथ तो वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। वैसे ही एक जो क्यूब सॉरी क्यूब बन जाएगा, वैसे ही अगर हम क्यूबॉइड को देखें तो क्यूबॉइड में या घनाभ में अगर हम आयत को अगर हम लंबाई मतलब सॉरी ऊंचाई के साथ उठा दें तो वह एक क्या बन जाएगा, तो वह एक क्यूबॉइड या घनाभ बन जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, दो क्षेत्रफल हमें निकालने होते हैं, वैसे ही हमें क्यूब में दो क्षेत्रफल निकालने होते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। पहला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालना है, और दूसरा होता है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होता है, इसमें ये जो इसकी फेज हैं छः, उन टोटल का एरिया हमें निकालना है। जैसे एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, और एक ये इधर वाला छः, ये ऊपर वाला हो गया, टॉप वाला तीन। तो ये जो छः फेज हैं इसके, इस टोटल का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर हम इसको निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये तो हो गया लंबाई, ये हो गई ऊंचाई और ये हो गई चौड़ाई। तो अगर हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालें, पहले फेज का इसका अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लंबाई और ये क्या है इसकी सॉरी इसका अगर हम निकालें इसका, तो लंबाई और चौड़ाई में क्या आ रहा है, इसका एच आ रहा है, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच, एक ये हो गया। और इसके अपोजिट अगर हम ये वाला देखें छः वाला, तो ये भी एल इंटू एच हो जाएगा। तो कितने एल इंटू एच हो जाएंगे, एल एच कितने हो जाएंगे, टू एल और एच हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम ये नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाला, तो अगर हम नीचे वाला लें तो ये लंबाई इसके लिए और ये क्या है वी ब्रथ आएगी इसकी, तो एल गुणा बी इसमें आएगा, तो एल गुणा बी एक ये हो गया। और अगर हम इसके ही ऊपर वाला देखें तो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे एल है ये और इधर क्या है बी, तो एल गुणा बी ये हो जाएगा, एल गुणा बी और एल गुणा बी, तो कितनी हो जाएंगी, दो, एक एल बी ये हो गया और एक एल बी ये हो गया, तो ये हो जाएगा टू एल बी। वैसे ही अब हम देखें इधर वाली जो साइड होती है, ये वाली, ये जो चार नंबर वाली है, ये चार वाली और इधर वाली ये वाले अगर हम देखें तो ये एक बराबर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या है वैल्यू h की है, तो b गुणा एच, तो एक b गुणा एच ये हो गया और ये b और h और एक b गुणा h ये हो गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल 2vh। तो बस टोटल टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, अगर हम तीनों को जोड़ के लिख दें तो कितना हो जाएगा 2lb प्लस 2bh और प्लस 2hl। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 हमने बाहर ले लिया, तो कितना बचा ब्रैकेट में अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं। वैसे अगर हम निकालें पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या देखते हैं, इसमें ऊपर वाला, टॉप वाला और सबसे नीचे वाला,
जो होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब है नीचे वाला क्या था एल गुणा बी और ऊपर वाला भी क्या था एल गुणा बी, तो दो वी ए दो एल वी, तो ये एक ये हो गया एल वी और एक ये हो गया एल बी, तो कितना हो जाएगा टू एल बी। तो हम इस टोटल में से अगर टू एल बी माइनस कर देते हैं तो हमें पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। और अगर हम इसको और बोलते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे कि एक हमारा रूम होता है तो वो कुछ इसी टाइप का होता है, ये उसका फर्श हो गया नीचे का और ये उसका टॉप छत हो गई और ये चारों क्या होगी दीवार हो गई, एक दो तीन चार। तो जब हम पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है हम छत का और फर्श का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए इसमें से अगर हम 2l भी माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर होता कितना है 2lh प्लस 2lv और प्लस 2vh, इसमें से हम l गुणा b ये नीचे वाला है और l गुणा b ऊपर वाला है, तो 2lb अगर हम इसे माइनस कर दें तो ये कट गया, बचा कितना 2lh और 2vh, 2lh प्लस 2vh, तो ये हो गया 2lh प्लस 2vh। अगर इन दोनों में हम देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन आ रहा है तो दो हमने बाहर ले लिया, बचा कितना lh और bh, lh प्लस bh। अब इसमें हम और देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, एच एच फिर से कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे टू तो पहले से ही एच और कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचाएगा एल प्लस बी, तो वही हमने यहाँ पे इसे लिखा है। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है टू एच और ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो ये क्या होता है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमने देखा कि पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हमने यहाँ पे देखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा देखा पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। इसको अगर क्वेश्चन में ये आए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है तो भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है वॉल्यूम या आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इसीलिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हम तीनों को लिखेंगे, लेकिन घन में क्या था तीनों की वैल्यू समान थी, तो इसीलिए लंबाई भी ए थी और चौड़ाई भी ए थी और ऊंचाई भी ए थी, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया ए गुणा ए गुणा ए, तो ए की घात तीन हमने उसको लिख दिया था, बट यहाँ पे क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू अलग अलग है। चलिए ये तो हमने देख लिया कि आयतन क्या होता है, अब हम देखेंगे विकर्ण क्या होता है या डायगनल क्या होता है। तो जो घनाभ का डायगनल या विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये क्या होता है डायगनल का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे डी बराबर हमने ये हो गया विकर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने देख लिया घनाभ या क्यूबॉइड क्या होता है, उसका क्षेत्रफल भी देख लिया हमने, उसका आयतन कैसे निकालते हैं और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और डायगनल वो सब देख लिया। अब देखेंगे हम बेलन या सिलेंडर क्या होता है। तो सिलेंडर को अगर हम देखें यहाँ पे हमने इसका चित्र भी बना रखा है, तो यहाँ पे एक है ये सिलेंडर या बेलन, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है h और इसके यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है इसके रेडियस है इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे टू पाई आर और यहाँ भी टू पाई आर, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर है तो आर गुणा आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टू पाई आर यहाँ भी कॉमन है और टू पाई आर यहाँ कॉमन है, तो हमने टू पाई आर बाहर निकाल लिया, ले यहाँ पे क्या बचा एच और इधर क्या बचा आर, तो टू पाई आर एच प्लस आर ये क्या हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। वहीं अगर हम देखें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ जो कर्व्ड इसका जो जो इसका भाग होता है कर्व्ड वाला वक्र पृष्ठ उसको ही हम लेते हैं, इसके ऊपर वाला ये जो है टॉप और ये नीचे वाला बॉटम इसको हम नहीं लेते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ हम इसका ये वाला भाग लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ऊपर वाला भाग है वो एक सर्कल की तरह है
और नीचे वाला भाग भी क्या है, एक सर्कल की तरह है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, एक सर्कल का एरिया ए है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें से हम 2πr माइनस कर देंगे। तो जब हम 2πr माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इसका एरिया बचेगा, ये जो रेड रेड है वक्र पृष्ठ का। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ये क्या था टोटल सरफेस एरिया था, अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा 2πrh। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, इसका फॉर्मूला ये होता है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस r। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर πr स्क्वायर h, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h। ये देख लिया हमने बेलन या सिलेंडर के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट आकृति के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम वृत्त या सर्कल। तो वृत्त का एरिया देखेंगे, उसकी परिधि और व्यास। तो ये है सर्कल, इसके केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं, और इसको आर से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका एरिया निकालें सर्कल का तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है इसका एरिया होता है। वहीं अगर हम इसकी परिधि देखें, इसकी परिधि मतलब कि ये चारों ओर का, सर्कल के चारों ओर की वैल्यू, ये क्या होती है इसको बोलते हैं परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वहीं व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है सर्कल की सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वह क्या कहलाता है डायमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है जो उसके बीचों बीच से मतलब कि केंद्र से होकर गुजरती है वह उसका डायमीटर या व्यास कहलाता है। तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर बराबर होता है ये जो त्रिज्या है उसका दो गुना, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें केंद्र से तो एक आर ये हो गई, और इस केंद्र से इधर को अगर हम देखें तो एक आर ये हो गई। तो टोटल क्या होता है आर प्लस आर टू आर। तो इसका जो डायमीटर या व्यास होता है वो कितना होता है त्रिज्या का दो गुना होता है टू आर। वैसे अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर बटे दो, मतलब कि डायमीटर का आधा या व्यास का आधा। तो ये हो गया वृत्त के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट है शंकु या कोण। तो अगर हम शंकु के बारे में देखें तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका बेस एरिया, बेस एरिया मतलब कि यहाँ के इसके तल का जो एरिया होता है उसके बारे में। शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है इसकी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है एच, और ये जो L है, L क्या है इसकी त्रियक ऊंचाई है, और यहाँ पे इस पॉइंट से इधर केंद्र से यहाँ तक ये क्या है इसकी रेडियस या त्रिज्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें इसका बेस एरिया या इसके तल का एरिया, तो ये एक सर्कल होता है, एक सर्कल की तरह होता है। तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो बेस एरिया अगर पूछा जाए कि शंकु का बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर हम इसकी स्लैंट हाइट या त्रियक ऊंचाई निकालें, तो इसकी त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेडियस हो गया, यहाँ पे ये एच हो गया, और ये एल हो गया। तो यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री का कोण बनना है। तो जब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनना है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम इसकी स्लैंट हाइट की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है L, तो इसको हम कर्ण मान लेते हैं, और ये क्या है हाइट H, इसकी हाइट है, इसको हाइपोटेनियस के लंब मान लेते हैं, और नीचे ये क्या है रेडियस, इसको हम आधार मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसकी त्रियक ऊंचाई होती है। क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि त्रियक ऊंचाई की वैल्यू क्या है, हमें एच की वैल्यू दे रखी होती है कुछ भी और आर की वैल्यू दे रखी होती है, तो हमसे क्या है स्लैंट हाइट या इसकी त्रियक ऊंचाई की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, किसी की भी वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं। अगर दो की वैल्यू हमें पता है तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो कोण है उस कोण के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे कितना को पाई आर और पाई आर, यहाँ पे पाई आर हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना कितना बचा, यहाँ पे बचा एल और इधर बचा आर, तो पाई आर बाहर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर वहीं हम निकालें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, कौन का कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो उसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो इसका बेस एरिया है उसको हम नहीं लेते हैं, उसका बेस एरिया हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम उसका कर्व वाला जो एरिया है वो लेते हैं। तो अगर टोटल सरफेस एरिया में से हम बेस एरिया को माइनस करते हैं, बेस एरिया की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, तो इस टोटल में से अगर हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से हमें क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर हमने माइनस कर दिया तो बचेगा पाई आर एल। तो जो कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल होता है शंकु का वो होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और कर्व सरफेस एरिया भी। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि अगर हम देखें पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बेलन का, तो बेलन क्या होता है, ये जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 होता है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें इसके डायग्राम से देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं यहाँ पे और यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये एक बेलन नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक ये पूरा बेलन या सिलेंडर बन जाएगा। तो इसके तीन पार्ट होगा, एक पार्ट ये, दो और एक तीन, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे एक शंकु ये निकल आया बेलन से, एक ये निकल आया और एक ये, मतलब एक शंकु निकल आया ये यहाँ पे, तो इसका क्या है, इसका 1/3 भाग होता है, शंकु क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 भाग होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले में 1/3 करके यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे अभी देखा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो चलिए ये देख लिया हमने शंकु। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर या गोला। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये एक स्फीयर की आकृति है, गोला की आकृति है, जस्ट लाइक ए बॉल, जैसे बॉल होती है उस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो इसके केंद्र से, सेंटर से इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया या इसका एरिया जो होता है उसके फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr², इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², गोला या स्फीयर का। वहीं इसकी हम परिधि देखें तो इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वहीं अगर हम देखें इसका वॉल्यूम या आयतन, तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, 4/3πr³। ये जो परिधि होती है, परिधि का फॉर्मूला 2πr, ये गोला का भी बराबर होता है और सर्कल का भी, क्योंकि सर्कल जो होता है वो 2-डायमेंशनल होता है और जो गोला होता है या स्फीयर होता है वो 3-डायमेंशनल आकृति होती है। तो बस इतना ही अंतर होता है, बट जो परिधि होती है उसके जो वैल्यू होती है वो समान होती है 2πr। तो यहाँ पे हमने इसको देखा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये पार्ट वन यहीं रखते हैं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ये।